हेलो स्टूडेंट्स नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरीवन नमस्ते नमस्ते वी हैव बुनाली ईश्वर रॉकी गुर्जर दिलशाद गाइड ज्योति प्रशांत कुमार सभी बच्चे फटाफट से जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का सेशन लेंगे स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज्यादा आपका जो प्रॉब्लम होता है वो ये कि मैम हम सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे हैं हम अपने आप दिमाग में जो चल रहा है वो हम बोलते वक्त हिचकिचाते हैं या बोल नहीं पाते हैं बेसिक से बताइए शुरुआत से बताइए शुरुआत से अंग्रेजी कैसे सीखें सीखें मतलब एक्चुअली आपको आप कहते हैं इंग्लिश सीखना है बट इंग्लिश तो एक्चुअली आपको आता है आपको इंग्लिश बोलने सीखना है इंग्लिश बोलने सीखने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना एक एक शब्द तो आपको शायद पता होगा लेकिन आप उन शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बुन नहीं पा रहे हैं यानी कि सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है तो एक तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बच्चों और दूसरा आपको पता होना चाहिए कुछ फ्रेजेस कुछ फ्रेजेस जो कि सेंटेंस जो आप बोलना है ना तो वो सेंटेंस बन के जो भी आपको बोलना होता है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं करना है थोड़ा थोड़ा सा सा बस आपको करने करने की जरूरत है, थोड़ा सा रेगुलर के करने की ज़रूरत ज़रूरत है, है, भी आ जाएगा और, आप बोल भी ये मेरी गारंटी है और ये मैं आपको इसलिए गारंटी दे पा रही हूँ, बिकॉज मैंने ये अपनी स्टूडेंट्स में देखा है ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है उन स्टूडेंट्स में जो बिल्कुल बेसिक से शुरू किए हैं इवन स्कूल स्टूडेंट्स के बच्चे अगर ये drastic improvement दिखा सकते हैं तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं जय श्री राम जय श्री राम आइए बच्चों से शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन <coughs> ठीक है आज हम लोग थोड़ा सा डेली लाइफ सेंटेंसेज देखते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नीड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश टू यूज इट इन दियर डेली लाइफ तो डेली यूज सेंटेंसेस जो हमें रोज बोलने के लिए जरूरत होता तो है लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं या हम सेंटेंस बना नहीं पाते हैं एक एक सेंटेंस आपके सामने आता जाएगा पहले आप कोशिश करेंगे सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने की फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सेंटेंस और बन सकता है या क्या सही तरीका है बोलने का आप भी अपने सजेशंस मैं यहाँ पे एक या दो सेंटेंस बताऊंगी अब भी अपने सेंटेंसेस बताते जाएंगे क्योंकि एक ही बात को एक्सप्रेस करने के कई तरीके होते हैं तो आप सही कह रहे हैं या गलत वो भी मैं आपको बताते जाऊंगी एंड रिमेंबर स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेते हुए आप लोगों को मेरे साथ साथ सेंटेंसेस रिपीट करना है आप में से कितने बच्चे मेरे साथ साथ सेंटेंसेस रिपीट करेंगे एक बार आई कॉमेंट करके मुझे बता देंगे यस yes. जितने बच्चे मेरे साथ साथ अभी क्लास में भी रिपीट करेंगे सीखने के साथ साथ मेरे साथ मेरे सेंटेंस आप रिपीट करते जाएंगे बोलते जाएंगे वो एक बार आई कमेंट करके मुझे बता दे वेरी गुड वंडरफुल बहुत बढ़िया बहुत सही एंड स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आपको मुझे एक और जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पॉजिटिव मंत्रा था जो मैजिकल मंत्रा था जो हमारे अंदर इंस्टेंटली एक कॉन्फिडेंस जगा देता है I can and will speak English fluently. ये phrase, ये फ्रेज, सेंटेंस आप फटाफट फड़ से एक बार कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से बोलेंगे और कमेंट कर देंगे और हम आज की सेशन को शुरू कर देंगे यस yes, एक बार सभी बच्चे कॉमेंट कर दें आई कैन एंड विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आई कैन आप खुद को याद दिला रहे हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं सब इंग्लिश बोल सकते हैं आप अगर अपनी मातृभाषा अच्छे से बोल सकते हैं तो इंग्लिश भी एक भाषा ही है थोड़े से प्रैक्टिस के साथ में आप इसे बोल सकते हैं विल आपका डिटर्मिनेशन है डिटर्मिनेशन होगा दृढ़ निश्चय होगा तो ही आप जीवन में इंग्लिश सीखना हो चाहे कोई भी काम हो आप कर पाएंगे राइट यस वेरी गुड वंडरफुल बहुत बढ़िया तो देखते हैं हमारे सामने सबसे पहला सेंटेंस क्या है कई बार होता है ना हमारे आस पास बहुत नौटंकी बाज होते हैं बहुत ड्रामे करते रहते हैं है ना कुछ लोग फालतू के होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने भाई बहन ही है जो हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं हम बोलते हैं भाई नौटंकी बंद कर अपना है ना सो so ये ये सेंटेंस अगर आपको किसी को पह, कहना है कि अपनी नौटंकी बंद करो ड्रामे मत करो हम कई बार बोलते भी हैं प्यार में भी है ना मजाक मजाक में भी चल चल ड्रामे मत कर अपनी नौटंकी बंद कर राइट तो ये सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे किसी को यस अपनी नौटंकी बंद करो कैसे कहेंगे कुछ दिमाग में आ रहा है आई कैन स्पीक इन मैथ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा मैं आपको इंग्लिश फिर मैथ्स में ही सिखाऊंगी यस yes. क्या बोलेंगे अगर आपको यह कहना है अपनी नोटंकी बंद करो आप कहेंगे स्टॉप स्टॉप योर ड्रामा स्टॉप योर नॉन सेंस हाँ स्टॉप योर नॉन सेंस थोड़ा नेगेटिव हो गया है ना राइट शर्ट योर माउथ ये तो हो गया कि चुप रहो है ना शर्ट योर माउथ तो हो गया कि चुप रहो तुम तो, मतलब जो भी नोटंकी तो छोड़ो जो तुम बोल रहे हो अपना मूवी बंद कर लो राइट right? हम ये कह सकते हैं स्टॉप योर गिमिक ठीक है गिमिक गिमिक का मतलब होता है नोटंकी ड्रामे ठीक है स्टॉप दिस नॉन सेंस ओके okay, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल सही है अगर कोई कुछ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है बहुत ही बेतुका बेतुकाइलॉजिकल कर रहा है तब आप कहेंगे ठीक है स्टॉप योर गिमिक हम क्या कहेंगे स्टॉप योर गिमिक गिमिक का मतलब होता है जो ड्रामा हम कहते हैं ना ड्रामा के लिए ही स्टॉप योर ड्रामा भी कह सकते हो स्टॉप योर गिमिक भी कह सकते हो ठीक है राइट चलो अगला सेंटेंस देखते हैं ने मुझे डांटा ठीक है वोबुलरी क्लासेस लेना क्यों जरूरी है डांटने के लिए बहुत सारी वोकैबलरी है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डांटने के लिए वोकैबलरी डांटना क्या क्या वर्ड्स है यस yes. मेरे साथ में एक बार सभी बच्चे रिपीट करते जाएंगे ठीक है माँ ने मुझे डांटा अगर आपको ये बात कहना है तो आप कैसे कहेंगे यस yes. डांटने के लिए कोई वर्ड डांटने के लिए कोई वर्ड जो तुम्हारे दिमाग में आए सबसे सिंपल वर्ड स्कोल्ड है ना सबसे सिंपल वर्ड स्कोल्ड पहले सिंपल से ही शुरू करेंगे फिर जैसे जैसे आप और वोकैबलरी सीखते जाएंगे पहले आप बोलना और सेंटेंस बनाना तो सीखिए फिर उसके बाद में आपको क्या करना है आपको बस डांटने का स्कोल्ड रेप्रिमांड राइट ये सब कैस्टिगेट जो भी वर्ड्स आप वोकैबलरी में सीखते हैं डांटने के लिए वो आप यूज करते जा सकते हैं ठीक है सिंपल वर्ड स्कोल्ड यस अब देखो ये सेंटेंस क्या है यहाँ पे एक्शन पूरा हो चुका है राइट right, यहाँ पे एक्शन पूरा हो चुका है तो माने मुझे डाटा आप कैसे लिखेंगे रिब्यूक रिब्यूक यस वेरी गुड वर्ड्स स्कोल्डेड ठीक है शुरू करेंगे स्कोल्डेड से फिर स्कोल्डेड के बदले हम रिप्लेस कर देंगे जितने भी वर्ड्स आपको जो भी आपको आएगा याद ठीक है यस एक्शन हो चुका है मतलब वर्ब को हम वी टू में लिखेंगे तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है मॉम स्कोल्डेड मी Mom, scold me नहीं, scolded me. देखो, मैं देख तो वर्ब में आप ईडी लगाएंगे है ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे मोम स्कोल्डेड मी ठीक है मॉम स्कोल्डेड मी गेटिंग इट राइट ओके बहुत बढ़िया देखो यहाँ पे ईडी लगाया है नाम ने क्योंकि ये एक्शन हो चुका है ये एक्शन हो चुका है तो जब बीते हुए एक्शन की बात आप करते हैं तो आपको वर्ब का v1, v2, v3 टू फॉर्म भी ध्यान रखना है ठीक है वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स क्या है इसके ऊपर भी हम आगे आने वाले क्लासेस में आ, देख लेंगे ठीक है चलो <coughs> मैं थोड़ी देर में आऊंगा अब ये भविष्य में होने वाला एक्शन है मैं थोड़ी देर में आऊंगा ठीक है मैं आए आपका सब्जेक्ट हो गया थोड़ी देर में आऊंगा अब थोड़ी देर कैसे कहेंगे बताओ थोड़ी देर कैसे कहेंगे yes, थोड़ी देर कहने के बहुत सारे तरीके हैं ठीक है आऊंगा, ठीक है? थोड़ी देर थोड़ी देर कहने के लिए आपके पास जितनी वो कैबलरी होगी उतना आप यूज कर सकते हैं ठीक है उतनी वैरायटी हो जाएगी थोड़ी देर हम कैसे कहेंगे सबसे पहला तो सिंपल आई विल कम इन टाइम ठीक है आई विल कम इन सम टाइम थोड़ी देर के लिए जो बहुत बेसिक है वो है आई विल कम इन सम टाइम थोड़ी देर ठीक है अच्छा आई विल कम इन अ व्हाइल अ व्हाइल का मतलब क्या होता है अ व्हाइल का मतलब भी होता है थोड़ी देर ठीक है आई विल बी बैक इन अ मिनट ओके यस समीर सिंह बिल्कुल आप ये कह सकते हैं आई विल बी बैक इन अ मिनट ठीक है इन अ मिनट मतलब मैं तुरंत आ जा रहा हूं ठीक है मैं यूं गया और यूं आया वैसा इन मिनट वाले में ये होता है कि मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा थोड़ी देर में मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है थोड़ा ही ज्यादा नहीं ठीक है so, सो आऊंगा तो आपने क्या कहा आई विल कम आऊंगा तो आपने कहा आई विल कम ठीक है थोड़ी देर में इन समाइम आई विल कम इन अल्ड

नहीं नहीं तो छह सात बार तो दिन में आप कह ही देते हैं ठीक है अपने फ्रेंड्स को कहते हैं घर आते वक्त मम्मी को कहते हैं किसी खास से मिलने जाते उसे कहते हैं राइट ओके चलिए अगला सेंटेंस सेंटेंस देखते हैं हम द नेक्स्ट संकोच संकोच मत करो संकोच करना मतलब हिचकिचाना ठीक है ये बात आप कैसे कहेंगे बताओ एंड यस सम टाइम सम टाइम और समटाइम्स ये तीनों शब्दों में क्या फर्क है ये मैंने एक मिनट में एक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन एक किया है अगर आपको सम टाइम समटाइम और समटाइम्स इसमें अगर कंफ्यूजन है तो वो शॉर्ट्स देख लीजिए आपको जरूर समझ आ जाएगा ठीक है यस संकोच मत करो ठीक है सो संकोच मत करो ऐसा अगर कोई सेंटेंस डोंट हेजिटेट वेरी गुड विभूति यस डोंट फील हेजिटेट नहीं कहेंगे हम सिंपली कहेंगे डोंट हेजिटेट डोंट हेजिटेट डोंट बी रिलेक्टेंट ठीक है डोंट हेजिटेट डोंट बी रिलकटेंट या बहुत ही आसानी से आप कह सकते हैं फील फ्री मतलब संकोच मत करो आराम से रहो फील फ्री ठीक है आप सिंपली भी कह सकते हैं फील फ्री सिंपलीट संटेंट संकोच मत करो हिचकिचाओ मत या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं फील फ्री राइट ओके वंडरफुल बहुत बढ़िया लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन ज्यादा भाव मत खाओ आपको रोज ऑलमोस्ट रोज ऐसे लोग जरूर मिल जाते होंगे जो भाव खाते हैं तो आप क्या कहते हो ज्यादा भाव मत खाओ ठीक है कैसे कहोगे बताओ बताओ यस yes. ज्यादा भाव मत खाओ कैसे कहोगे yes, अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि ज्यादा भाव मत खाओ कैसे कहेंगे नहीं पैनिक नहीं कहेंगे जीके फैक्ट मैसेंजर पैनिक का मतलब होता है हड़बड़ा जाना

डोंट एक्ट सो प्राइसी प्राइसी का मतलब होता है बहुत एटीट्यूडी ठीक है सो डोंट एक्ट सो प्राइसी डोंट एक्ट सो प्राइसी ज्यादा भाव मत खाओ डोंट एक्ट सो प्राइसी राइट नेक्स्ट देखते हैं हम दिल लगाकर काम करो हम किसी को जब कहते हैं ना कोई काम करो या मत करो तो ये सीधा वर्ब से या डोंट प्लस वर्ब से शुरू होता है ठीक है पढ़ो स्टडी पढ़ाई मत करो डोंट स्टडी ठीक है राइट right? हम यहां पे कह रहे हैं दिल लगाकर काम करो सो so, काम करो जब ऐसा कोई एक्शन आप किसी को कोई आदेश दे रहे होते हैं तो वो सीधा वर्ब से शुरू होगा है ना सो so, दिल लगाकर काम करो कैसे कहेंगे हम वेरी गुड वर्क काम करो वर्क दिल लगाकर दिल लगाकर उसके लिए क्या कहेंगे वर्क होल हार्टेडली वेरी गुड हम क्या कहेंगे वर्क पूरे दिल से काम करो या दिल लगाकर काम करो तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे वर्क होल हार्टेडली ठीक है होल हार्टेडली मतलब पूरे दिल से दिल लगाकर काम करो या पूरे दिल से काम करो वर्क होल हार्टेडली अच्छा मुझे बताओ दिल लगाकर पढ़ाई करो कैसे बोलेंगे सभी so, स्टूडेंट्स फटाफट -फड़ से मुझे कॉमेंट करके बताएंगे दिल लगाकर पढ़ाई करो या दिल से पढ़ाई करो कैसे कहेंगे यस स्टडी होल हार्टेडली दिल लगाकर प्रैक्टिस करो मन लगाकर प्रैक्टिस करो पूरे दिल से प्रैक्टिस करो इन सब चीजों के लिए आप होल हार्टेडली इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है अच्छा आधे दिल से आधे मन से कुछ लोग होते हैं ना बेमन से या आधे मन से काम करते हैं मतलब दिल लगा के काम नहीं कर रहे होते हैं तो आधे मन से या आधे दिल से काम करने को क्या कहेंगे हाफ हार्टेडली ठीक है आपको इंग्लिश क्यों नहीं आ पा रही क्योंकि आप दिल लगाकर काम नहीं कर रहे हैं दिल लगाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं दिल लगाकर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हैं यू आर स्टिंग हाफ हार्टेडली प्रैक्टिस होल हार्टेडली पूरा दिल लगा कर काम करो पूरे दिल से काम करो पूरे दिल से पढ़ाई करो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा आइए चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं ज्यादा देर तक जागना मत आप मना कर रहे हैं तो ये किससे शुरू होगा डोंट से जब आप किसी को आदेश दे रहे होते हैं एंड नेगेटिव मना करने वाला आदेश दे रहे होते हैं ज्यादा देर तक जागना मत ये कैसे बोलेंगे आप Yes, ज्यादा देर तक जागना मत यस yes, हम जब भी मना कर रहे होते हैं तो वो स्टार्ट किससे होगा डोंट ठीक है जागने के लिए हम क्या कहते हैं स्टे अप जागने के लिए हम कहते हैं स्टे अप यहां पर आप वेक नहीं कहेंगे वेक तो नींद से जागने के लिए होता है स्टे अप मतलब आप जाग रहे हैं एंड जगे रह रहे ठीक है यस डोंट बर्न मिडनाइट ऑयल भी हम कह सकते हैं ठीक है yes, यस बिल्कुल वेरी गुड हम डेफिनेटली कह सकते हैं सो डोंट स्टे अप ज्यादा देर तक तो हम कह रहे टू कह रहे, लेट लेट मतलब देर तक ज्यादा देर तक तो टू लेट ठीक है जैसे हम कहते हैं ना डोंट एक्ट टू स्मार्ट ज्यादा तेज मत बनो डोंट एक्ट टू स्मार्ट तो देर तक इज लेट ज्यादा देर तक इज टू लेट राइट ओके चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस कल रात मुझे एक सपना आया ये सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे कई बार होता ही है ना आप सपना कुछ ना कुछ देख लेते हैं तो अपनी मम्मी से अपने फ्रेंड्स से आप डिस्कस करते हैं कल रात मुझे एक सपना आया ये बात कैसे कहेंगे यस एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर रिपीटिंग द सेंटेंसेस विथ मी से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेरे साथ साथ, साथ सेंटेंस रिपीट करते चल रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट कर देंगे वो सभी बच्चे जो सेंटेंसेस मेरे साथ साथ रिपीट करते चल रहे हैं बोलते चलना है ठीक है आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट ठीक है आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट सपना देखा सपना आया आई हैड अ ड्रीम ठीक है अच्छा बुरा सपना देखा बुरे सपने को क्या कहते हैं ड्रीम गेम नहीं आई हैड अ ड्रीम ठीक है ड्रीम गेम या कोई चीज आया जो खुद स्वयं आता है उसके लिए हम कहते हैं ठीक है आपको सपना आया तो आप कहेंगे आई हैड अरे को इंग्लिश में बताओ बुरे सपने को हम बैड ड्रीम नहीं हम नाइट मेयर कहते हैं बुरे सपने को बैड ड्रीम नहीं हम नाइट मेयर कहते हैं राइट ओके चलिए कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा यस वेरी गुड कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा अब बुरे सपने को हम क्या कहते हैं नाइटमेयर तो आप कहेंगे आई हैड अटमेयर लास्ट नाइट है ना कल रात मतलब येस्टरडे नाइट के बदले आप लास्ट नाइट कहेंगे ये ज्यादा प्रेफरेबल है ठीक है आई हैड अटमेयर लास्ट नाइट सपना देखा तो आप कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लेकिन बुरा सपना देखा तो बैड ड्रीम नहीं है। आप कहेंगे नाइटमेयर राइट right? आप कहेंगे नाइटमेयर आई हैड अ नाइटमेयर लास्ट नाइट राइट कम से कम मुझसे बात तो कर लो कम से कम मुझसे बात तो कर लो ये बात आप कैसे कहेंगे किसी को कम से कम देखो अब कम मतलब लेस ठीक है लेस टू लेस ऐसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है आपको ये पूरा फ्रेज कम से कम को इंग्लिश में क्या कहें ठीक है ऐसे आपको पढ़ना है तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे ठीक है राइट यस वेरी गुड कम से कम मुझसे बात तो कर लो तो कम से कम के लिए हम कहेंगे एटलीस्ट ठीक है कम से कम के लिए हम कहेंगे एटलीस्ट मुझसे बात तो कर लो एटलीस्ट टॉक टू मी सिंपल एटलीस्ट टॉक टू मी देखिए हिंदी का इतना बड़ा सेंटेंस इंग्लिश के छोटे से sentence में आप कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन तब जब आप सही तरीके से सीखेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है नहीं तो कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा और इस तरीके से इंग्लिश तो कभी नहीं सीख पाएंगे ठीक है आपको क्या करना है आपको फ्रेजेस कम से कम को इंग्लिश में क्या कहते हैं ठीक है एटलीस्ट राइट एटलीस्ट टॉक टू मी वेरी गुड एटलीस्ट टॉक टू मी मैं उससे पूछना भूल गया मैं उससे पूछना भूल गया ये एक्शन हो चुका है ठीक है तो जब एक्शन हो चुका होता है तो हम वर्ब को वी टू फॉर्म में लिखते हैं मैं उससे पूछना भूल गया कैसे लिखेंगे आप बताओ यस वेरी गुड कैसे लिखेंगे आई भूल गया राइट right? जो वर्ब होता है वो इंग्लिश में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखते हैं है ना तो आप लिखेंगे आई फोरगोट ठीक है क्या भूल गया पूछना टू आस्क हर आई फरगोट टू आस्क राइट आई फरगोट टू आस्क हर या आई फरगोट टू आस्क हिम अगर लड़का है तो हिम कहेंगे लड़की है तो हर कहेंगे ठीक है राइट इस बात को मजाक में लो जी अंकित अंकित को हंसी आ रही है मुझे नहीं पता पहले की बात सुन के हंसी आ रही है या अब की बात सुन के हंसी आ रही है बट जो भी है अगर मैं कहूं इस बात को मजाक में मत लो तो आप कैसे कहेंगे यस मी टू सेंटेंस के शुरुआत में जब एक्शन करने वाले की बात आप कर रहे हैं तो उसको आप आय लिखेंगे आई फुरु आस्खर मेरे साथ में एक बार रिपीट करो चलो यही सेंटेंस पिछला वाला आई फुरु आस्खर एक बार सभी बच्चे रिपीट करेंगे आई फॉर गॉड टू और जितने बच्चों ने रिपीट किया वो थम्स अप कमेंट करेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देख लो जरा। यस वेरी गुड बहुत बढ़िया और एक बार अगर बच्चों को ये क्लास हेल्पफुल लग रहा है तो भाई लाइक तो बनता है ना अगर बच्चों को क्लास हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वेरी yes, गुड बहुत बढ़िया शाबाश, है ना सो so, इस बात को मजाक में मत लो, इस बात को मजाक में मत लो, कैसे कहेंगे यस टेक दिस मैटर जोकिंगली आप जोकिंगली भी कह सकते हैं या फिर एज अ जोक भी कह सकते हैं ठीक है डोंट टेक दिस मैटर इस बात को है ना इस बात को मतलब दिस मैटर डोंट टेक मत लो है ना तो हम कहेंगे डोंट टेक डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली या फिर एज अ जोक डोंट टेक दिस मैटर लाइटली भी आप कह सकते हैं हल्के में मत लो ठीक है हल्के में भी वही होता है मजाक में जो ले रहे हैं तो हम लाइटली भी कह सकते हैं डोंट टेक दिस मैटर लाइटली डोंट डोंट टेक दिस मैटर जोकिंगली डोंट टेक दिस मैटर एज अ जोक राइट ओके वंडरफुल बहुत बढ़िया कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ ये किस तरह की बकवास है? है ना ये किस तरह की बकवास है यह कैसे बोलेंगे आप बताओके ऑल राइट ऑल राइट वंश यह किस तरह की बकवास है स हाउ विल यू सी दिस इन इंग्लिश किस तरह की देखो किस तरह की तो इसके लिए हम लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ ये किस तरह का आदमी है वॉट काइंड ऑफ मैन ही इज ठीक है ये किस तरह की बकवास है बकवास मतलब नॉन सेंस किस तरह की वॉट काइंड ऑफ ट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज इट क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे ठीक है वॉट काइंड ऑफ पर्सन इज ही ये किस तरह का आदमी है राइट right? यह किस तरह का शोर है यह किस तरह का पेन है राइट सो वॉट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज इट वॉट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज इट एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ में यह सेंटेंस रिपीट करेंगे व्हाट काइंड ऑफ नॉन सेंस इज इट वट काइंड ऑफ नॉन सेंस इज इट राइट वेरी गुड बहुत बढ़िया ये सेंटेंस जितने बच्चों ने मेरे साथ में रिपीट किया एक बार फटाफट फड़ से फिर से मुझे कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप कॉमेंट करके बताए आपका कॉमेंट बॉक्स में थम्स अप कहना मेरे से कम्युनिकेट करना है क्योंकि मैं आप लोगों को देख तो नहीं सकती हूँ राइट right? लेकिन आप लोगों ने अगर ये सेंटेंस मेरे साथ में रिपीट किया है तो आप थम्सअप के जरिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देते हैं वॉट काइंड ऑफ नॉन सेंस इज इट वेरी गुड बहुत बढ़िया नाउ, वह बेवजह मेरा मजाक उड़ा रहा है ये भी होता है ना हमारे दोस्त मजाक उड़ाते ये। दोस्त तो खैर मजाक उड़ाते हैं लेकिन मुश्किलों में साथ भी रहते हैं लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं बेइज्जती करने के लिए हमें नीचा दिखाने के लिए अगर आपको कहना है वह बेवजह मेरा मजाक उड़ा रहा है इस बात को आप कैसे कहेंगे वह बेवजह बिना मतलब के वह बेवजह मेरा मजाक उड़ा रहा है कैसे कहेंगे इस बात को हम राइट यस वेरी गुड बताओ वह बेवजह ठीक है बेवजह बेवजह को इंग्लिश में क्या बोलेंगे ठीक है मेरा मजाक उड़ा रहा है ठीक है उड़ा रहा है मतलब ये एक्शन चल रहा है ठीक है ये एक्शन चल रहा है देखो कैसे बनाएंगे सेंटेंस जो भी सेंटेंस आपके सामने आता है ठीक है इंग्लिश में आपके दिमाग में यही आता है ना वह उड़ा रहा है कैसे इंग्लिश में बोले है ना तो वह बेवजह रीजन बेवजह फॉर नो रीजन वह बेवजह पढ़ाई कर, कर रहा है ही इज स्टिंग फॉर नो रीजन वह बेवजह मेहनत कर रहा है ही इज वर्किंग हार्ड फॉर नो रीजन वह बेवजह मुझसे बात कर रहा है नो रीजन राइट सो बेवजह फॉर नो रीजन राइट अब देखो मजाक उड़ाने के लिए ही 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 इज 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 मजाक उड़ाना या मेकिंग फन ऑफ मी ये भी आप कह सकते हो वेरी गुड जाते मोदी वेरी गुड ठीक है आपके भी जो सेंटेंसेस आप मुझे बताइए ठीक है एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं राइट right? आप अपना तरीका बताएंगे सही है तो मैं आपको बताऊंगी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये सेंटेंस यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आप सीखेंगे राइट सो ही इज इज मॉकिंग मी मी फॉर फॉर नो नो रीजन रीजन ही मेकिंग फन ऑफ वेरी गुड वंडरफुल बहुत बढ़िया कम टू द नेक्स्ट वन नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आप लोगों को इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू आर Uh, planning to join any course, be it competitive exam or spoken English courses, you can download our app Sareen Parchala from the Google Play Store. ठीक है? 9821060203 इस नंबर पर अगर आपको कोई भी क्वेरी इंक्वायरी करनी है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स? चलिए आ जाइए। So अगर अगर वो तुमसे बात ना करे तो राइट right? हम ऐसे भी सेंटेंसेस पूछते हैं अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो अगर उसने तुम्हें फोन नंबर नहीं दिया तो अगर उसने तुमसे बात नहीं किया तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही आ, कोई मुझे बता रहा था कि आ, उनकी फ्रेंड की शादी है तो फ्रेंड के हस्बैंड को बोलो कुरकुरे बोलते हैं एंड कुरकुरे क्यों बोलते हैं वो स्टोरी बता रहे थे ठीक है तो तो जब वो वो स्कूल में था वो लड़का तो उसने किसी लड़की को प्रपोज किया था और वो लड़की उस वक्त कुरकुरे खा रही थी ठीक है और कुरकुरे खाते वक्त ही उसको प्रपोज किया और उसको मना करना था तो उसने कुरकुरे का पैकेट ही उठा के उसके उसे मारा था ठीक है तो तब से उस लड़के का बेचारे का नाम पड़ गया कुरकुरे ठीक है अगर तुम्हें तुम्हारे भी मन में तो डर होता है कि किसी से बात करना है अगर उसने मुझसे बात नहीं किया तो अगर किसी ने कुरकुरे का पैकेट उठा के तुम्हारे मुंह पे फेंका तो अगर उसने तुम्हें नंबर नहीं दिया तो अगर उसने तुम्हारा मजाक उड़ा दिया तो अगर उसने बेवजह तुम्हारा मजाक उड़ा दिया तो ये सेंटेंसेस आप कैसे बोलेंगे यस yes, अगर वो तुमसे बात ना करे तो बताओ वॉट इफ ठीक है ये तो वाला जो है ना तो आप कैसे पूछेंगे वॉट इफ वॉट इफ ठीक है ही डजेंट टॉक टू यू वॉट इफ ही डजेंट टॉक टू यू अगर उसने बेवजह तुम्हारा मजाक उड़ा दिया तो वॉट इफ शी मेक्स फन ऑफ यू फॉर नो रीजन राइट दिस इज हाउ आप जो पीछे वाले सेंटेंसेस में भी सीख रहे हैं उनको अपनी भावनाओं में और इमोशंस में कैसे कनेक्ट करना है और अपना सेंटेंस बनाना है राइट इफ ई डॉक टू यू इफ इजेंट टॉक अगर उसने तुमसे बात नहीं किया हम कह रहे हैं अगर उसने तुमसे बात नहीं किया तो है ना तो ये अगर और तो ये मिल के सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है और बन जाता है वॉट इफ ये सेंटेंस में आ जाता है और बनता है वॉट इफ ठीक है राइट right? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया हो तो फटाफट -फड़ से कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप कमेंट करेंगे यहां तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया ये समझ आ गया ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीजों को यूज करके हम सेंटेंस अब अपने लाइफ में बना पाएंगे ये बातें अगर दिमाग में आई तो सीधा-सीधा हमारे सेंटेंस में आ, हम हमारे दिमाग में सेंटेंस छप गया है और अगर इन चीजों को यूज करके हमें सेंटेंस तौर-मडोर के बनाना भी पड़ा तो हम बना लेंगे अगर ये कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फटाफट फड़ से स्टूडेंट्स मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप कमेंट करेंगे वंडरफुल बहुत बढ़िया चलिए मैं हमेशा आपका आभारी या शुक्रगुजार रहूंगा अगर आपको ये कहना है इट इज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू इट इज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू बच्चे अक्सर बोलते हैं थैंक्स यू मैम तो थैंक्स यू नहीं होता है अगर थैंक के बाद में यू या फिर गॉड कहना है तो आप थैंक्स कभी नहीं कहेंगे आप कहेंगे थैंक यू आप कहेंगे थैंक गॉड भगवान का शुक्र है ठीक है जब सिर्फ ये शब्द होता है थैंक्स तब आप एस लगा सकते हैं इसमें जैसे थैंक्स राइट लेकिन जब उसके बाद में यू या गॉड लगाना है तो आप थैंक्स यू या थैंक्स गॉड नहीं कहेंगे आप कहेंगे थैंक गॉड थैंक यू राइट नाउ ये तो सिंपल तरीका हो गया धन्यवाद करने का अगर आपको इस तरीके से कहना है मैं हमेशा आपका आभारी या शुक्रगुजार रहूंगा कैसे बताएंगे ये सेंटेंस रिमेंबर आपने क्या कहा आ, रहूंगा मतलब भविष्य तक ये सिर्फ अभी की बात नहीं है भविष्य तक ठीक है तो आप कहेंगे आई विल रहूंगा है ना सो आई विल रिमेन आई विल रिमेन इन डेप्टेड इन डेप्टेड टू यू ठीक है इनडेप्टेड मतलब डेप्ट का मतलब क्या होता है कर्ज ठीक है डेप्ट का मतलब क्या होता है कर्ज इनडेपेड मतलब आभारी रहना मतलब हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा ये पैसे वाला कर्जदार नहीं है हो सकता है उस इंसान ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया होगा इसलिए आप ये बात कह रहे हैं ठीक है राइट ओके वंडरफुल बहुत बढ़िया मन में याद करो खैर बाकी चीजें मन में याद करना लेकिन मेरी क्लास में बोलते हुए सीखते जाना ठीक है बट खैर अगर आपको यह कहना है मन में याद करो तो आप कैसे कहेंगे इस बात को यस yes, अगर आपको किसी को कहना है मन में याद करो तो आप कैसे कहेंगे इस बात को आई शाल रिमेन इनडेटेड टू यू दिनेश तिवारी वेरी गुड बिल्कुल आई विल रिमेन आई शाल रिमेन बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस

ठीक है जैसे आप बोलते हो ना मम्मी मुझे याद दिला देना मुझे ये बुक ले जाना है याद दिलाने को कहते हैं रिमाइंड ठीक है remind. याद रखने को हम कहते हैं रिमेंबर मैं आपको कहती हूं रिमेंबर याद रखना ठीक है याद रखना रिमेंबर याद दिलाना रिमाइंड ठीक है राइट ओके चलिए मुझे इसकी आदत है है ना लोग बोलते हैं कि यार कितना हेक्टिक है दो घंटे तुम कॉलेज जाते हो फिर उसके बाद में दो घंटे में वापस आते हो और फिर भी इतनी पढ़ाई कर लेते हो इतनी मेहनत कर लेते हो आप कहते हैं मुझे इसकी आदत है यार तुम्हारा छोटा भाई कितना तंग करता है आप कहते हैं मुझे इसकी आदत है यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितना दिमाग खराब करती है मुझे उसकी आदत है कैसे कहेंगे यह सेंटेंस वेरी सिंपल आई एम यूज टू इट आई एम यूज टू इट राइट आई हैव है इट्स नॉट रॉन्ग बट इट्स नॉट अ गुड सेंटेंस इट्स नॉट अ गुड कंस्ट्रक्ट आई एम यूज टू इट आप ये सीख लीजिए आई एडिक्टेड टू इट का मतलब है लत है अडिक्ट होना मतलब लत होना ठीक है आई एम नहीं कहेंगे आप कहेंगे आई एम यूज टू इट एक्सपीरियंस मतलब मुझे अनुभव है तो अनुभव का मतलब पीछे वाली जितनी भी गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी लाइफ में आई वो सारी दिमाग खराब करने वाली थी अनुभव हो गया वो एक्सपीरियंस हो गया आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है ना राइट सो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव राइट सो एक्सपीरियंस भी वहां पे आई एम यूज टू इट आई एम नॉट आई हैव शिवम पांडे आई एम Used to it एक बार सभी बच्चे मेरे साथ में रिपीट करें आई एम यूज्ड टू इट वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है चलिए तुम उसे उकसा रहे हो तुम उसे उकसा रहे हो ये सेंटेंस हम कैसे कहेंगे यस yes, तुम उसे उकसा रहे हो आई एम अक्वाइंटेड भी नहीं कहेंगे माधव acquainted का मतलब है वाकिफ होना ठीक है मतलब जान पहचान होना वाकिफ होना सो so हम acquainted भी नहीं कहेंगे आप अपनी जो भी सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स आप बताएंगे बिकॉज़ गलत है तो आई विल टेल यू व्हाई इट इज रॉन्ग सही है तो यू you नो know कि आप वो सेंटेंस डेफिनेटली यूज कर सकते हैं ठीक है चलिए बहुत बढ़िया तुम उसे उकसा रहे हो इस बात को यू आर इंसटीगेटिंग देखो हम क्या बोल रहे हैं उकसा रहे हो मतलब ये एक्शन चल रहा है ठीक है सो यू आर प्रोवोक प्रोवोक करना ठीक है इंस्टिगेट करना इन करना ये सब सेंटेंसेस आ जाएंगे यू आर इन हिम यू आर इंस्टिगेटिंग हिम यू आर प्रोवोकिंग हिम ये सभी यस यू आर प्रोवोकिंग बिल्कुल सही है ठीक है प्रोवोक इन साइट इंस्टिगेट यह सब वर्ड्स आपके बिल्कुल यहां पे सही है ठीक है राइट देन यू हैव जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा ठीक है पहले तो आप सबकी सुनते हैं फिर उसकी बाद आप तंगा जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और आप बोलते हैं जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा ये बात आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा आई विल डू वट जो भी आई फील आई विश आई वॉन्ट I desire. आप ये सभी सेंटेंसेस कह सकते हैं आई विल डू वट एवर आई फील वट एवर आई विश राइट मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है ठीक है अब ये एक्शन हो चुका है मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है ये एक्शन हो चुका है लेकिन लास्ट में है लिखा है मतलब हमें इसको पास्ट में नहीं ले जाना है हमें इसको प्रेजेंट में ही लिखना है और वो हम कैसे लिखेंगे हम इसको आ, एक मिनट आई हैव स्क्रूड आप यहां पे हम हैव एड करेंगे ठीक है यहां पे आप एड करेंगे हैव ठीक है अगर ये है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है अगर है वाला सेंटेंस आपको लिखना होता है तब आप है वाला सेंटेंस जब लिखना होता है ना तब हम आई मतलब मैंने घोटाला कर, कर दिया मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जब ऐसे सेंटेंसेस आपको कहना है ठीक है आई हैव अप और मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी सिर्फ इतना होगा ठीक है है नहीं होगा तो आप ये कह सकते हैं आई अप आप ये कह सकते हैं आई अप इज दैट क्लियर ई मेड अ बिग मिस्टेक आई यस वेरी गुड आई मेड अ ब्लैंडर ब्लैंडर भी कह सकते हैं आई मेड अ बिग मिस्टेक भी कह सकते हैं और यह थोड़ा सा स्टाइलिश सा लगता है आई स्क्रूडअप ठीक है ओ नो आई स्क्रूडअप ओके आई स्क्रूडअप या आई हैव स्क्रूडअप अगर आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में जोड़ के कहना है तो आप कहेंगे आई हैव स्क्रूड अप अदरवाइज यू कैन सिंपली से आई स्क्रूड अप आई हैव मेड अ ब्लंडर आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक एब्सोल्युटली करेक्ट लर्न वन मोर वे ऑफ सेइंग दिस आई स्क्रूड अप राइट चलिए सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आज का आपका सबसे फेवरेट वर्ड या सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले सेशन में तब तक अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहें मस्त रहें पढ़ते रहें और सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें जय हिंद एवरी